हेलो स्टूडेंट्स, अब कल से आगे देखते हैं। कल हमने देखा कि कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो हम कुछ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, और हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, लाइक इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट एंड मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ अदर एनर्जीज़। तो आज हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एनर्जीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे, वर्क के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक टर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टर्म। इससे क्या मतलब है? इसे ऐसे समझें, अगर मैं मानूं कि कोई एनर्जी है वो दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, मान लीजिए वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं ये एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। दिस एनर्जी टर्म इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया तो T1 V1 से ये चला गया T2 V2, स्टेट फर्स्ट से चला गया स्टेट सेकंड, ये सिस्टम में चेंज हुआ। अब आप ये जानना चाहें कि टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज हुआ और वॉल्यूम की वजह से कितना चेंज हुआ इस टोटल इंटरनल एनर्जी में, जो पहले E1 थी और अब हो गई है E2। तो E2 E1 से जब पहुंची, स्टेट वन से स्टेट टू में गई, तो E1 और E2 का जो डिफरेंस है दैट इज़ डेल्टा ई। ये डेल्टा ई है वो इन दो पे डिपेंडेंट है, इन दो के कारण हुआ है। लेकिन इस डेल्टा ई में, मान लो इसमें 20 कैलोरी का इम्प्रूवमेंट हुआ या 20 कैलोरी का डीके हुआ, तो वो जो 20 कैलोरी है उसमें से कितना टेम्परेचर की वजह से चेंज हुआ, कितना वॉल्यूम की वजह से चेंज हुआ, ये बताना थोड़ा टीडियस टास्क है। ऐसा क्यों? एक समीकरण से ये बताना लगभग असंभव है। देखिए, सिंपल मैथमेटिक्स, a+b=14। अब यहाँ a और b की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं जब 14 हो। a 0 है, b 14 है तो भी 14 है, a 1 है, b 13 है तो भी 14 है, a -1 है, b 15 है तो भी 14 है। सो मैनी वैल्यूज़ आर पॉसिबल। क्योंकि एक इक्वेशन से एट ए टाइम आप एक ही वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जब एक चेंज देख रहे हैं और दो वेरिएबल हैं तो आपको कोई दूसरा तरीका देखना होगा। तो हम करते क्या हैं, हम ये काम दो टुकड़ों में कर सकते हैं कि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं इनिशियली, टी जो है T1 ही रहेगा, V1 से V2 हो गया। अब चूंकि वॉल्यूम तो V2 हो गया तो V2, और टेम्परेचर मैं चेंज कर दूं T2। तो फर्स्ट स्टेप में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और सेकंड स्टेप में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। फाइन, इनिशियली T1 V1 था और ये हुआ T1 V2 और फिर हो गया T2 V2। कहने का मीनिंग, यहाँ से यहाँ हम एक बार में नहीं जाकर हम दो स्टेप्स में गए। इनिशियली हमने एक वेरिएबल देखा तो हमें पता लग गया कि वॉल्यूम की वजह से कितना चेंज हुआ। सेकंड, फिर हमने वॉल्यूम V2 जो हमारा फाइनल वॉल्यूम रीच हो गया तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और फिर हमने टेम्परेचर राइज किया T2 तक। जब हमने टेम्परेचर राइज किया तो हमें पता लगा कि टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज हुआ। आप दोनों को ऐड कर दो तो आपको पता लग जाएगा T1 V1 से T2 V2 स्टेट में पहुंचने के लिए एनर्जी में जो टोटल चेंज हुआ कितना हुआ। तो ये कंट्रीब्यूशन आपका आ गया वॉल्यूम की वजह से, ये कंट्रीब्यूशन आ गया आपका टेम्परेचर की वजह से। लेकिन ये तभी संभव है जब ये एनर्जी इन दोनों का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, यथागत अवकलन हो उसका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि चेंज इन ई डी ई जो हमारा डेल्टा ही है, अगर ये चेंज छोटा हो, चेंज इन ई इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी।
v को कांस्टेंट रखा है एंड मल्टीप्लाई कर दिया टेम्परेचर चेंज से, तो इनडायरेक्टली दे टर्म दीज टर्म्स आर गोन आउट. वॉल्यूम कांस्टेंट था, जो ये चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, टेम्परेचर की वजह से. प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी. तो ये कंपोनेंट बता रहा है टेम्परेचर की वजह से क्या चेंज हुआ, ये कंपोनेंट बता रहा है वॉल्यूम की वजह से क्या चेंज हुआ, और आपने दोनों को ऐड कर दिया तो आपको मिल गया टोटल चेंज. ये है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन. एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन उन्हीं का हो सकता है जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हों, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हों, कि हमारा इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर वॉल्यूम क्या था और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हों. पाथ पे अगर डिपेंड करेंगे तो ये हो गया सिंगल स्टेप पाथ और ये हो गया डबल स्टेप पाथ. अगर रास्ता लंबा है तो चेंज भी बड़ा होगा. तो अगर ये पाथ फंक्शन होते तब हम कहते कि ये जो इक्वेशन है वो इन पे लागू नहीं हो सकती. लेकिन चूंकि एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए आप एनर्जी को दोनों के टर्म्स में अलग अलग कैलकुलेट करके एडिटिव मेथड से आप इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं. तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन उन क्वांटिटीज़ का संभव है जो स्टेट फंक्शन हो, जो क्या हो, स्टेट फंक्शन. तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हम जो इम्पोर्टेंटली जो एनर्जीज देखेंगे, दैट इज़ ई इंटरनल एनर्जी, एच एंथैल्पी, एस एंट्रोपी एंड जी गिब्स फ्री एनर्जी. दीज आर इम्पोर्टेंट. वन अनदर इज ए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी. ये सभी एनर्जी टर्म्स जो हम थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज़ करेंगे आने वाली क्लासेस में, ये सारी एनर्जी टर्म्स हैं वो स्टेट फंक्शन है अलग अलग वेरिएबल्स का. कोई टेम्परेचर प्रेशर का है, कोई टेम्परेचर वॉल्यूम का है, कोई वॉल्यूम प्रेशर का है, जो भी है, लेकिन दे आर स्टेट फंक्शन. अगर वो स्टेट फंक्शन है तो उनका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन संभव है. और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन संभव है इसका मतलब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं. रास्ता कितना ही लंबा हो, कितनी छोटी छोटी स्टेप में आप वहाँ तक पहुँचें, फाइनल वैल्यू आपको सेम मिलेगी. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन. वहीं हमारे यहाँ दो टर्म हैं जिनके बिना थर्मोडायनेमिक्स अधूरी है, दैट इज़ डब्ल्यू एंड क्यू, वर्क एंड हीट. ये दोनों टर्म पाथ फंक्शन हैं. ये दोनों टर्म क्या हैं, पाथ फंक्शन हैं. पाथ फंक्शन का मतलब जो उस बात पे डिपेंड करे कि आप किस तरीके से पहुँचे. इसे यूँ समझें, आगे हम देखेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क और सब, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. एक जनरल एग्जांपल देखें, अगर आपने कोई काम एक सिंगल स्टेप में किया, मान लो आपके पास ये स्टेयर्स हैं और आप यहाँ से यहाँ तक चल के गए, आपने यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा, तो ये पूरा का पूरा आपका टोटल वर्क में काउंट होगा. और आप अगर यहाँ से जंप कर जाते हैं तो देखिए, आप ये जो वर्क है, 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 ये सब लॉस हो जाएगा. आपको सिर्फ इसके अलावा जो पोर्शन बचा वो मिलेगा. कहने का मीनिंग, अगर आप सिंगल स्टेप में वो काम करते हैं तो मिलने वाला वर्क या लॉस होने वाला वर्क है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी. अगर आप उसे मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं तो मिलने वाले वर्क या लॉस होने वाले वर्क की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा पाथ चूज़ किया. वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जब पहुँचे तो उनका डायरेक्ट डिफरेंस कितना था, इनका डायरेक्ट डिफरेंस कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता. वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा पाथ चूज़ किया है. अगर पाथ की लेंथ ज़्यादा है तो मिलने वाले वर्क की. और ये प्रॉपर्टी केवल उन्हीं थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज में मिलती है जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी बाउंड्री का फंक्शन होती हैं, जिनकी वैल्यू बाउंड्री डिपेंडेंट होती है. तो वर्क और हीट दोनों के कैलकुलेशन बाउंड्री पे होती हैं, न कि सिस्टम और सराउंडिंग पे. आप कहते हैं कि एक्सपेंशन वर्क हुआ, दैट मींस मान लो एक बलून आपने धूप में रखा और आपने देखा कि गैस के पार्टिकल्स ने एक्सपेंड किया,
जब गैस के पार्टिकल ने एक्सपेंड किया तो बलून की साइज़ बढ़ेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि बलून की बाउंड्री बढ़ी है, दैट मीन्स एक्सपेंशन वर्क हुआ है। इंटरनली उसमें क्या हुआ वो उसके इंटरनल एनर्जी का कंपोनेंट है, लेकिन उसमें से वर्क कितना हुआ तो वो आपको बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट होगा। आप अगर गैस पे, हम कहते हैं पानी गर्म करो, तो आप पानी गैस पे नहीं रख सकते, सिस्टम आपका पानी है, बट आप किसी न किसी कंटेनर में लेते हो, किसी पतीले में लेते हो उसको। जब आप उसे किसी कंटेनर में लेके रखते हो तो कंटेनर की सरफेस हीट होती है, दैट मीन्स बाउंड्री हीटअप होती है, देन बाउंड्री अगर परमिएबल है तो वो ट्रांसफ़र करती है हीट और तब सिस्टम हीटअप होता है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इनिशियल चेंज होता है दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन बाउंड्री, देन बाउंड्री परमिट्स कि आगे क्या होगा। सो द वर्क एंड हीट बोथ आर कैलकुलेटेड एंड डिटरमाइंड थ्रू बाउंड्री। सो दीज आर बाउंड्री फंक्शंस, और जो बाउंड्री के फंक्शंस हैं वो सदैव क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस में कोई फिक्स वॉल्यूम कर दिया गया हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट आपकी हीट पे, मतलब आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो उस कंडीशन में जब आप वर्क कैलकुलेट करते हो एडियाबेटिक प्रोसीजर में, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उन स्पेसिफिक कंडीशंस में वर्क एंड हीट, ऊष्मा और कार्य दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशियल की तरह बिहेव करते हैं, स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन वो कंडीशंस हैं, परमानेंटली दे आर पाथ फंक्शंस। जैसे अगर मैं स्फीयर्स बनाने की कोशिश करूँ, इलिप्टिकल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसमें एक परफेक्ट स्फीयर जो है वो उसकी एक पोजीशन है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, लेकिन उसमें सो मेनी इलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स आर देयर, सो मेनी इलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स आर देयर, इतनी सारी इलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि वो स्फीयर होगा जब उसकी रेडियस जो है, उसकी हायर एंड लोअर रेडियस दोनों बराबर होंगी। वैसे ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, जब आपने कंडीशन लगा दी आर ए एंड आर बी आर इक्वल, तब आपको स्फीयर दिखाई देगा, अदरवाइज इलिप्टिकली इलिप्टिकली स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। सेम वे में अगर आप वॉल्यूम की या प्रेशर की या टेम्परेचर की या कोई स्पेसिफिक कंडीशंस लगा देते हैं और वो ये फंक्शंस हैं वो इनमें से किसी एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो दे बिकम स्टेट फंक्शन और वो बिहेव करते हैं स्टेट फंक्शन, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर, अदरवाइज दे आर पाथ फंक्शंस। ओके, थैंक यू।